देश में कोरोना महामारी ने एक बार फिर दस्तक दे दी है। पिछले 24 घंटे में 17,032 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 14,722 मरीज ठीक हुए हैं। आपको बता दें कि वहीं 29 संक्रमितों की मौत हो गई है। जुलाई के पहले दिन यानी शुक्रवार को केस में 2% की कमी देखी गई थी। तो आपको बता दें कि इससे पहले गुरुवार को 16,862 नए केस आए थे, जो कि बुधवार के मुकाबले 10% कम थे। बीते बुधवार को 18,819 नए मामले मिले थे। आपको बता दें कि देश के 6 राज्यों में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं, जिनमें से केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और दिल्ली शामिल है। सबसे ज्यादा मामले केरल और महाराष्ट्र से आ रहे हैं। केरल और महाराष्ट्र के बाद तमिलनाडु में रोजाना 2,000 के ऊपर केस मिल रहे हैं। तो वहीं नए संक्रमितों की संख्या में केरल अभी भी टॉप पर बना हुआ है, यहां रोजाना 3,000 से ज्यादा। इससे पहले 28 मई को 2,999 नए संक्रमित मिले थे। पिछले घंटे की बात करें तो यहां 3,904 पॉजिटिव केस मिले हैं। वहीं 3,724 मरीज ठीक भी हुए हैं, जबकि 15 संक्रमितों की मौत हुई है। महामारी के मामले में महाराष्ट्र अभी भी कोरोना स्पॉट बना हुआ है। पिछले 2 दिन से भले ही यहाँ नए केस में कमी आई हो, लेकिन राज्य में पॉजिटिव रेट अभी भी 7% से ऊपर बनी हुई है। तो वहीं शुक्रवार को यहाँ 3,249 नए केस सामने आए थे। तो वहीं 4,139 मरीज ठीक भी हुए, जबकि 4 मरीजों की मौत हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।